हेलो एवरीवन, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वीडियो में प्री और मेंस क्या होगा। तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक न्यूज़पेपर ने छापा था कि आईएएस के तर्ज पर होंगी परीक्षाएं। तो जो UP SSC वो है, वो अब मेंस इंक्लूड करने वाला है। तो ये तो काफ़ी दिन पहले से ही बोल दिया था चेयरमैन सर ने कि अगर आवेदन ज़्यादा है और हम प्री मेन वैसे भी करने के पक्ष में हैं, जिससे हम अधिक योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर सकें। तो अभी इसमें मेंस होगा, इसका कुछ निर्णय लिया नहीं है शासन ने, क्योंकि कोई भी विज्ञापन शुरू से डिसाइड होता है कि इसमें प्री मेन होगा। अभी कुछ दिन पहले रेलवे में हुआ था ऐसा, जो NTPC की वैकेंसी आई थी 2015 में, कि ढेर सारी शिफ्ट में पेपर था और उसमें फिर बाद में निर्णय लिया गया कि हाँ, हम इतने लोगों को सिलेक्ट करके हम इनका मेंस कराएंगे। तो वहाँ से वो मेंस करा गया। तो इसमें भी अगर ऐसा कुछ होगा तो मेंस कराया जाएगा, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर है। तो अभी कोई भी निश्चित नहीं कह सकते कि हाँ, मेंस होगा ही। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें और किसी भी तरह के वहम या फॉर्म में ना पड़े कि हाँ, मेंस होगा। अगर भर्ती प्रक्रिया गवर्नमेंट को लगी कि हाँ, हमें आगे से बदलनी है, तो वो बदलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में एक ही पेपर का जिक्र है जो कि 150 क्वेश्चन का है, 50 50 50, हिंदी, GS और रीजनिंग का। तो वही रहेगा, और मेंस का भी सिलेबस या कुछ अगर आएगी योजना तो उसकी आपसे चर्चा की जाएगी। तो आप तैयार रहें पूरी तरह से। ओके, धन्यवाद।